जाओ बेटा ओघरनाथ, नगरी से भिक्षा में दूध लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हे भगवान, मुझे ऐसी कौन सी गलती की सजा दे रहे हो जो गांव वाले मुझे घर से बुलाकर भिक्षा देते थे, आज वही लोग मुझे धक्का मार कर बाहर निकाल देते हैं। हे प्रभु, मेरी पत्नी ने और मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर आप मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते तो हमें मौत दे दीजिए, उससे मेरी कलावती का दुख नहीं देखा जाता प्रभु, अब नहीं देखा जाता। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? हे नाथ जी, हमारी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। हे ब्राह्मण देवता, ऐसी क्या बात है, मुझे बताइए। नाथ जी, ना जाने वो परमात्मा हमें किस बात की सजा दे रहा है, मैंने और मेरी पत्नी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, जो गांव वाले कल तक मुझे बुलाकर भिक्षा देते थे आज वो मुझे देख कर धक्के मार देते हैं, कोई पानी तक नहीं पिलाता है। हे ब्राह्मण देवता, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, भगवान तो अपने सच्चे भक्तों की कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं, आप चिंतित मत हो, यह लो चावल आप खा लेना। नहीं नाथ जी, ये चावल तो आप अपने लिए लाए हैं, अगर आप हमें दे दोगे तो आप क्या खाओगे? ब्राह्मण देवता, आप मेरी चिंता मत करो, मैं दूसरी नगरी से और भिक्षा मांग लूंगा, अतः आप ये चावल ग्रहण करें। प्रणाम गुरुदेव। कलावती, 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 तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलती क्यों नहीं? उठो कलावती, उठो। कलावती, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? पता नहीं स्वामी, काम करते करते अचानक चक्कर आया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी। तुम ठीक कह रही हो कलावती, तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसी कारण तुम्हें चक्कर आया है। लो, आज मैं भिक्षा में चावल लाया हूँ। कलावती, तुम्हें तो चावल बहुत पसंद है ना, ये चावल खा लो। नहीं स्वामी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है, ये तुम क्या कह रही हो कलावती, तुमने तो 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, लो थोड़े से चावल खा लो कलावती। नहीं स्वामी, ये चावल आप खा लीजिए, आपने भी तो 5 दिन से कुछ नहीं खाया और वैसे भी मैंने तो गर्म पानी पी लिया है, सो अब मुझे भूख नहीं है।
कलावती, गरम पानी पीने से कभी भूख मिटती है क्या? पानी पीने से तो प्यास बुझती है, पेट की आग नहीं। मुझे मालूम है स्वामी कि पानी पीने से सिर्फ प्यास बुझती है। आप सारा दिन भोजन के लिए गांव में भिक्षा मांगते हैं, और अब तो गांव वालों ने भिक्षा देना भी बंद कर दिया है। बंद कहां कर दिया है कलावती, हम तो भिक्षा लेकर आए हैं। गांव वाले हमें बहुत प्रेम करते हैं कलावती, देख हम भिक्षा लेकर आए हैं। स्वामी, 5 दिन घूमने के बाद ये थोड़े से चावल, लगता है बहुत प्रेम करते हैं नगरी वाले आपसे। इस एक मुट्ठी चावल से हम दोनों अपनी भूख कैसे शांत कर सकते हैं स्वामी, इसलिए मैंने पानी पीकर भूख मिटाना सीख लिया है। वाह रे गरीबी, जब आती है पता नहीं क्या क्या सिखा देती है। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो बच्चा, हमें कोई ऐसा घर बताएं जिस घर में गाय हो। हमारे गांव में बहुत धनवान एक ब्राह्मण है, उसके घर में सैकड़ों गाय हैं, उसी के घर से आपको दूध मिल सकता है। बाकी सब गांव वाले बहुत कंजूस हैं, आपको दूध नहीं देंगे। आप दर दर भटकने से अच्छा तो है आप उसी के घर चले जाइए, वो सामने जो पीपल का पेड़ है उसी के साथ उसी ब्राह्मण का घर है। वो ब्राह्मण साधु संतों को दूध दही से बहुत सेवा करता है, वहाँ आपको अपना मन चाहा दूध मिलेगा। वाह बच्चा, आपने तो मेरी समस्या का हल कर दिया। इसके लिए न जाने मुझे कई कई दर भटकना पड़ता, लेकिन देखने में तो उस ब्राह्मण का रहन सहन और पहनावा बहुत ही गरीब है, किंतु वह बहुत धनवान है। आप उसकी किसी बात पर विश्वास मत कीजिए महाराज। तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। कल्याण तो ब्राह्मण का होगा। अलोक निरंजन। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। हे योगी बाबा, आप आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ विशेष नहीं ब्राह्मण देवता, हमें भिक्षा में केवल दूध ही चाहिए। लेकिन बाबा, हम आपको भिक्षा में दूध कैसे दे सकते हैं? हमारे पास तो गाय भी नहीं है। गाय नहीं है माई, ये आप क्या कह रही हो? जो मुझे रास्ते में व्यक्ति मिले थे उन्होंने ही बताया कि आपके पास सैकड़ों गाय हैं। क्या? पर ये सत्य नहीं है बाबा। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात बताई थी वह सत्य है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी गरीबी का ढोंग कर रहे हैं। नहीं बाबा, हम गरीबी का ढोंग नहीं कर रहे हैं, हम तो सचमुच गरीब हैं। आपको अवश्य ही कोई गलत फहमी हुई है बाबा। हाँ बाबा, हम तो पिछले 5 दिनों से भूखे हैं, आज किसी ने इन्हें भिक्षा में थोड़े से चावल दिए हैं। भिक्षा में आप ये चावल ले जाइए, किंतु हम पर क्रोधित न होइए। साधु योगी तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, और वैसे भी हमें तो भूखे रहने की आदत सी हो गई है। बस कलावती, रो मत, चुप हो जाओ। हे ब्राह्मण देवता, हे माई, मैंने आप पर व्यर्थ ही क्रोध किया। लगता है उन लफंगों ने मेरे साथ मजाक किया है। नहीं बाबा, मजाक तो परमात्मा ने हमारे साथ किया है। ना जाने हमने कौन से पिछले जन्म में पाप किया है जो हमारे आगे आ रहा है। तंग आ गए हैं बाबा इस गरीबी से हम। हे भगवान, अगर तू कहीं सुनता है तो हमें इस जीवन से मुक्ति दे दे। धैर्य रखिए ब्राह्मण देवता, अपने मन को दुखी मत करो। तुम्हें इस गरीबी के अभिशाप से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। परंतु कैसे बाबा, हमारी तो सब आशाएं समाप्त हो चुकी हैं।
नहीं माई नहीं, आशा और उम्मीदों के सहारे सारा संसार टिका हुआ है। अगर गुरुदेव ने चाहा, तुम्हारे संकट पल भर में दूर हो जाएंगे। क्या? हाँ माई, उनका आशीर्वाद जिस इंसान पे हो जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है। हे बाबा, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी हमारे यहाँ पधारे हैं, वो तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। हे बाबा, कृपा करके हमें गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करवा दें। हे बाबा, ये उपकार हम आपका जीवन भर नहीं भूलेंगे। उपकार कैसा ब्राह्मण देवता, मेरे साथ चलो, मैं गुरुदेव के पास तुम्हें ले चलता। हाँ चलो बाबा, हाँ कलावती चलो। चलिए स्वामी। अरे विक्रम, ये क्या, ब्राह्मण और उसकी पत्नी साधु के साथ कहाँ जा रहे हैं और बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। अरे भैया, दाल क्या, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और हमें इनके साथ चलकर देखना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, चलो इनके पीछे चलते हैं। हाँ, मगर आराम से चुप जाओ। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आदेश गुरुजी। शिष्य ओघड़नाथ, तुम भिक्षा ले आए और ये कौन है? हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार भिक्षा में दूध लेकर नहीं आ सका, क्योंकि जब मैं गांव में भिक्षा लेने के लिए गया तब कुछ गांव के लफंगों ने मेरे साथ उपहास किया और इस ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने भेज दिया। गुरुदेव, ये तो स्वयं ही इतना निर्धन है जो अपना पेट भरने के लिए अन्न के दाने दाने के लिए तरस रहा है। हे ब्राह्मण देव, आप हमें अपना परिचय दें। आपको क्या कष्ट है? हे गुरु गोरखनाथ, मैं अपना परिचय क्या दूं? मेरी निर्धनता ही मेरा परिचय है। मैं पास के गांव का गरीब ब्राह्मण हूँ और ये मेरी पत्नी कलावती है। महाराज, हम दोनों इतने निर्धन हैं, इसका बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते। हे गुरुदेव, इस संसार में शायद ही ऐसा कोई प्राणी होगा जो हमसे निर्धन और गरीब हो। हे गुरु गोरखनाथ, अब आप ही हमें इस गरीबी के अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। आपने न जाने इस संसार में कितने दुखियों के दुख दूर किए हैं। आप तो साक्षात भगवान शिव का दूसरा स्वरूप हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके चरणों की धूल से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। शरण में आए हर प्राणी का आपने उद्धार किया है। अतः हे महाराज, आप हमारे दुखों को दूर करें। हे माता, आप तनिक भी चिंता ना करें। समय हमेशा एक समान नहीं रहता। सुख और दुख इस संसार में नदी के दो किनारे हैं और कोई प्राणी स्थायी रूप से एक ही किनारे पे नहीं रहता।
हमें आपके बारे में सब कुछ ज्ञात है। उन पाखंडी लोगों ने आपको लज्जित करने के लिए मेरे शिष्य ओघरनाथ को भिक्षा लेने के लिए आपके घर भेजा था, लेकिन उनकी मूर्खता के कारण आपका और हमारा मिलन हुआ है। हमने अपनी शरण में आए हर प्राणी के दुखों का अंत किया है। हम आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन कर देंगे जिसकी तो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हे गुरु गोरखनाथ, ये क्या? ये तो कुछ भी नहीं है ब्राह्मण देवता। आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। हमने आपके टूटे फूटे घर को एक आलीशान महल में परिवर्तन कर दिया है। हीरे मोती सोना चांदी से आपकी तिजोरियां भर दी है। आपके पास जहां एक भी गाय नहीं थी, अब आपके पास सैकड़ों गाय हैं। और ये धन आपकी आने वाली पीढ़ियों के पास ज्यों का त्यों रहेगा। हे ब्राह्मण देव, इसके अतिरिक्त आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताइए। हे गुरु गोरखनाथ, मैंने तो एक बूंद पानी मांगा था और आपने तो ये पूरा समुद्र दे दिया है। जो कल तक एक गरीब ब्राह्मण अन्न के एक एक दाने को तरसता था, भिक्षा से अपना पेट भरता था, और आज उसे आपने इतना धनवान बना दिया, अब मेरी भला क्या इच्छा हो सकती है गुरुदेव? हे गुरु गोरखनाथ, हमें तो ये सब एक स्वप्न सा लगता है। हमने तो लोगों से आज तक सिर्फ आपके बारे में सुना ही था। जो भी प्राणी आपके सच्चे मन से भक्ति करता है और आपके शरण में आता है, आप उसके कष्टों को स्वयं दूर करते हैं। लेकिन ये सब हमारे साथ होगा, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। बहार आ गई, तुम जो मिले। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले। बहार आ गई, तुम जो मिले। जन्म के पाप तुमने ही काटे हैं,
मेरे हिस्से फूल दाता तुमने ही बांटे हैं। पूर्व जन्म के पाप तुमने ही काटे हैं, मेरे हिस्से फूल दाता तुमने ही बांटे हैं, तुमने ही बांटे हैं। मन मंदिर में तेरी ज्योत जले, ज्योत जले। मन मंदिर में तेरी ज्योत जले, ज्योत जले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले, कदमों तले। पत्थर को भी हीरा बना दिया, दुखिया पे मेहर करके मेरा पुण्य जगा दिया। कौड़ी के पत्थर को भी हीरा बना दिया, दुखिया पे मेहर करके मेरा पुण्य जगा दिया, मेरा पुण्य जगा दिया। रंग से राजा मुझको बना के चले, बना के चले। रंग से राजा मुझको बना के चले, बना के चले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले, कदमों तले। गुरुजी बाहर आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले।
सेवकों से कभी रूठ जाना ना। बाबा हम सेवकों से कभी रूठ जाना ना। अरज कमल सिंह यही हमें बिसराना ना, हमें बिसराना ना। तेरे चरणों में दाता दम निकले, दम निकले। तेरे चरणों में दाता दम निकले, दम निकले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले, कदमों तले। गुरुजी बाहर आ गए, तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई, तुम जो मिले, बाहर आ गई तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। हे गुरु गोरखनाथ जी, इस गरीब ब्राह्मण की एक विनती स्वीकार करें। आप अपने शिष्यों सहित हमारे घर पहुंचकर भोजन ग्रहण करो। हे ब्राह्मण देवता, हम आपके घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कल हम पूरी जमात के साथ आपके घर पहुंचकर भोजन ग्रहण करेंगे। और हाँ, आज के बाद आप अपने नाम के साथ गरीब का संबोधन ना करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव, हमें वो कबूतर और कबूतरी की कहानी सुनाइए जो अपने परिवार सहित नष्ट हो गए थे। सुनो बेटा ओघड़नाथ, एक जंगल में एक पेड़ पर कबूतर और कबूतरी का एक सुंदर सा जोड़ा रहता था। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्यार बढ़ गया, कबूतरी जो भी उसे कहती, कबूतर हर कष्ट सहकर उसकी हर इच्छा पूरी करता। और शुभ समय आने पर कबूतरी को गर्व रहा और उसने अपने घोंसले में अंडे दिए। प्रभु की कृपा से समय आने पर और अंडे फूटे, उनमें से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकले। कबूतर और कबूतरी बड़े प्यार से उन दोनों बच्चों का पालन और पोषण करने लगे और समय के साथ बच्चे बड़े हुए, परंतु वो बच्चे उड़ नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, कबूतर और कबूतरी
अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में गए हुए थे। अचानक उस जंगल में एक शिकारी आया। आज सुबह से मैं जंगल में यूं ही घूम रहा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और बच्चे भी घर पे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। शाम होने को आई है, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अरे कुछ तो मिला। ये कबूतरी के तो प्यारे प्यारे बच्चे, इन्हें बेचकर बाजार में मोटी धन प्राप्ति करूंगा और मेरे परिवार का कई दिनों का भोजन का गुजारा होगा। तू कहाँ बचकर जाएगा? आया ना शिकारी पिंजरे में। छोड़ चले छोड़ चले हैं अरे जालिम, छोड़ दे मेरे इन मासूम बच्चों को, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बड़ी मुश्किल से शिकार हाथ में आया है और तुम कहती हो छोड़ दूं इन्हें? हा 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 शिकारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, हमें अत्याचारी ने।
जंगल में दाना चुगा हम लेने गए थे, जंगल में दाना चुगा हम लेने गए थे, यही इस घोंसले में बच्चे खेल रहे थे, यही इस घोंसले में बच्चे खेल रहे थे। जाल फैलाया कि जाल फैलाया कि मौत की मदारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, हमें अत्याचारी ने। सुख ही क्या देखा प्रभु जिंदगी हमारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, हमें अत्याचारी ने। सामने शिकारी की मैं बेबस लाचार हूँ, सामने शिकारी की मैं बेबस लाचार हूँ, जीना नहीं मुझे मैं भी मरने को तैयार हूँ, जीना नहीं मुझे मैं भी मरने को तैयार हूँ। प्राण मेरे छीन लिए प्राण मेरे, दुख इस भारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, हमें अत्याचारी ने। बच्चे हमारे कैसा इंसान है, पंछी के बच्चे हमारे कैसा इंसान है, शक है कमल सिंह के कहीं भगवान है, शक है कमल सिंह के कहीं भगवान। चारों प्राणी लील लिए गम की कटारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, हमें अत्याचारी ने। बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी। अगर तुम मेरे इन बच्चों को नहीं छोड़ रहे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी, मैं भी आ रही हूँ। दो से तो तीन भले,
आ जाओ। तुम नहीं आती तो मैं आता हूँ। आज तो बहुत माल मिला है, इनको बेचूंगा बाजार में जाके, खूब माल कमाऊंगा आज तो। हा 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 हा। बेटा ओघरनाथ, सभी प्राणियों को अपने कर्म अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं, इसलिए असली सुख दुख का रहस्य जानने के लिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुख की इच्छाएं ना करे, बिना मांगे बिना इच्छा रुखा सुखा जो मिल जाए उसे खाकर ये जीवन व्यतीत करना चाहिए।